इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ फैमिली में आपके साथ से मैं। देश भर से आज कोरोना संक्रमण के 1,50,394 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोविड के कुल मरीजों की संख्या भारत में 4,19,12,712 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,072 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 5,55,000 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 14.35 लाख हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में जानकारी दी है कि गुरुवार को देश भर में संक्रमण के 2,46,674 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 4,17,88,000 हो गई है और एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 14,35,569 है, जो कुल मामलों का 3.42% है। और वही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 9.27% है, जबकि वीकली रेट 12.3% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट अब 98.38% है। और इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस के लिए 16,11,666 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 73,58,04,280 हो गया है। वहीं COVID-19 वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 168.47 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। ये था अब तक का अपडेट, लगातार छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ फैमिली पर। जय हिंद, जय भारत।